28 जून को हुई सामान्य सभा जो साफ सफाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाने की वजह से स्थगित कर दी गई थी, वह 15 जुलाई को पुनः संपन्न हुई। इस सामान्य सभा में बीती सामान्य सभा में साफ सफाई पर हुई अधूरी चर्चा के साथ शुरू हुई। साथ ही भिलाई नगर निगम क्षेत्र में हो रहे दूषित जल की सप्लाई को लेकर पार्षद गणों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दे भी रहे जिस पर पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ते नजर आए। जो समस्याएं सदन में उठाई गई उस पर बताए हुए निराकरण को पूरी सदन ने हामी भरकर पास कर दिया, परंतु ऐसा लगा कि कुछ जनप्रतिनिधि मिले हुए जवाब से संतुष्ट नहीं थे। देखिए, पिछली सामान्य सभा जो हुई थी उसमें सफाई को लेकर पार्षद का कुछ क्वेरी थी, कुछ वो जानकारी चाहते थे, जिसको लेकर हम लोगों ने सभी सर्वसम्मति से उस दिन सभा को सभापति जी से आग्रह करके कहा कि आप आज की बैठक स्थगित कर, अगली बैठक में जैसा सदन की मंशा है, जो समिति बनाना चाहते हैं, जो आने वाले निविदा जो टेंडर होना है उसमें जो कुछ सुझाव और कुछ कुछ और जो उनकी जानकारी थी वो चाहते थे उसको जुड़वाना, उसके लिए हम लोगों ने पिछली सामान्य सभा को स्थगित कर आज बैठक बुलाई थी। आज सारी बातों का जवाब मिलने के बाद दोनों प्रस्ताव, जो पहला प्रस्ताव था कि जो पूर्व में निविदा चल रही है, जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के कारण निविदा नहीं हो पाई थी, जिसका अतिरिक्त समय देना था, उसको आने वाली जो स्वीकृति है, निविदा की स्वीकृति है, तब तक के लिए उसमें समय अवधि बढ़ाई गई है। और जो नई निविदा को, जो पिछली जो समिति बनी थी
पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के साथ अधिकारियों की, उसमें सुझाव उनके सबके लेकर आने वाली निविदा के लिए भी स्वीकृति मिल गई है। उसकी निविदा बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगी और फिर से एक बार निविदा होने के बाद सामान्य सभा में आएगी। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें कोई हो सकता है किसी सदस्य को उसकी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उस कमेटी में सभापति महोदय ने आयुक्त को निर्देशित किया था पिछली बैठक में कि 5 सदस्य सत्ता पक्ष के और 5 सदस्य विपक्ष के, ऐसे 10 लोगों की समिति बननी थी जिसकी बैठक भी 7 दिन पूर्व हो चुकी, और उस बैठक में अधिकारी और पूरे 10ों पार्षद जो समिति के सदस्य थे उनके द्वारा उसमें अपने सुझाव को जोड़कर आज वो प्रस्ताव को सदन में लाया गया। देखिए, जो पिछली सामान्य सभा थी 28 तारीख को, उसमें सफाई का जो मुद्दा है वो बहुत गहन चर्चा का विषय रहा, और उसका कारण ये था कि वर्तमान में जो सफाई कार्य चल रहा है, जिस सामान्य सभा में उस कार्य की स्वीकृति देनी थी बहुमत के आधार पर, हल्ला गुल्ला करते हुए बिना चर्चा किए उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया, और उसी का नतीजा है कि सफाई कार्य आज शहर सफाई कार्य से संतुष्ट नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के पार्षद सफाई कार्य से संतुष्ट नहीं है। सफाई कार्य में इतना पैसा खर्चा होने के बाद भी हम शहर की सफाई संतुष्टिपूर्ण तरीके से कर पा रहे हैं ऐसा नहीं दिखता। इसी को लेकर के पिछली सामान्य सभा में भी चर्चा हुई थी और वो बैठक स्थगित हुई थी, और आज उस पर चर्चा होनी थी, आज भी उसी पर चर्चा हुई है, और निष्कर्ष ये निकला है कि वर्तमान में जो सफाई कार्य किया जा रहा है उसका भुगतान पर रोक लगाई जाएगी, और एक कमेटी सामान्य सभा के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर बनाई गई है। वो कमेटी इस सफाई कार्य के जो अनियमितताएँ आ रही हैं उसकी जांच करेगी, उसी के आधार पर उसके भुगतान के आगे का निर्णय लिया जाएगा। और एक सफाई कार्य जो आगामी 1 वर्ष के लिए होना है, उस सफाई कार्य की निविदा किस रूप में की जाएगी, उसकी क्या नियम शर्तें होनी चाहिए, उसको लेकर के चर्चा हुई है, वो भी स्वीकृत की गई है। और एक विषय आया है अमृत मिशन में बचे हुए क्षेत्र में पाइपलाइन, एग्जिस्टिंग पाइपलाइन बिछाने का, इंटर कनेक्शन करने का, उसको लेकर के चर्चा है। तो पिछला जो अमृत मिशन का कार्य किया गया है इंडियन ह्यूम पाइप के द्वारा, उसके द्वारा किए गए कार्य से भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्षेत्रों में पानी कई जगह नहीं पहुंच रहा है, उसको लेकर के अभी चर्चा जारी है जो लंच टाइम के बाद भी होगी, तो उस पर भी हम लोग मुखर हैं और उस पर भी हम लोग कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे ऐसा हम लोगों को लगता है। देखिए, उसका परिणाम मैंने बताया ना कि परिणाम ये होता है कि जब हम बिना किसी चर्चा के अपने स्वार्थवश किसी विषय को बिना शहर की चिंता किए जब पास कर देते हैं तो ऐसे विषय आते हैं। अगर इंडियन ह्यूम पाइप के द्वारा जो अमृत मिशन का काम किया गया है, जिसके लिए आदरणीय मोदी जी ने केंद्र से यहाँ पैसा दिया है, अगर वो काम सही दिशा में होता तो ऐसा दूषित जल आना या पीने का पानी गंदा मिलना ऐसा नहीं होता। वो इसी का परिणाम है कि वो हमने उसमें सही कार्य योजना के साथ काम नहीं किया, बिल्कुल उसमें अधिकारियों की संलिप्तता के बगैर कोई भी काम जो है वो खराब नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। तो उसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो महापौर परिषद हो या अधिकारी हो, जिनके दिशा निर्देश पर ये कार्य हुए, उसके बिल्कुल जांच करनी होनी चाहिए, और उस पर जो दोषी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर PDMC करके एक एजेंसी थी जिसको इंडियन ह्यूम पाइप जो पाइपलाइन बिछा रहा था वो पानी सब जगह पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया, उसकी मॉनिटरिंग कर रही थी, उसने भी अपना कार्य ठीक से नहीं किया। इन सारी बातें विषय पर अभी चर्चा होनी है सामान्य सभा में, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा।